नमस्कार, आप सभी को स्वागत है अपने YouTube चैनल धर्मेंद्र स्टडी में। तो दोस्तों, इस वीडियो में हम लोग देखेंगे 12th क्लास केमिस्ट्री का जो है 42 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन का जो है 2021 का क्वेश्चन पेपर जो है इस वीडियो में हम लोग देखेंगे 42 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन का जो है इस वीडियो में सॉल्व करने वाला हूँ। तो आप लोग भी 2021 के बोर्ड एग्जाम देने वाले हैं, तो आप लोग के लिए जो ये वीडियो काफ़ी इम्पोर्टेंट है, तो इस वीडियो को आप लोग लास्ट तक जरूर देखेगा, तभी जो आप लोग सारा का सारा क्वेश्चन जो है आप लोग देख पाएंगे सही तरीके से। तो इस वीडियो को अभी तक लाइक नहीं किया तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा हो सके इस वीडियो को शेयर कर दीजिए ताकि और भी छात्र छात्राओं तक पहुँच सके। और अभी तक इस चैनल से नहीं जुड़े तो नीचे लाल रंग का सब्सक्राइब बटन दिख रहा है, उस पर आप क्लिक कर दीजिए, बगल बेल घंटी आ जाएगा, उसको पोल पर सेलेक्ट कर लीजिए। तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर सबसे पहले प्रश्न संख्या 1 से 42 तक जो है प्रत्येक प्रश्न के साथ जो है 4 विकल्प दिए गए, यानी कि 4 ऑप्शन दिए गए हैं, जिनमें से एक सही को जो है अपने चुनकर जो है अपने द्वारा जो यहाँ पर विकल्प को जो है कि जो है वो MR शीट में जो है आप लोग को गोले को फिलअप करना होगा। यहाँ पर 42 में से जो है 35 ऑब्जेक्टिव का जो है सही सही जवाब जो है आपको MR शीट में फिलअप करना है। तो यहाँ पर फर्स्ट नंबर क्वेश्चन पूछा गया है, यहाँ पर रवादार ठोस है, रवादार ठोस है तो क्या है? हीरा है। इसका करेक्ट आंसर ए सही है। नंबर क्वेश्चन है बेरवादार ठोस पदार्थ है, बेरवादार ठोस पदार्थ है तो बेरवादार ठोस पदार्थ जो है कांच है, तो इसका करेक्ट आंसर बी सही है। 3 नंबर क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा ऑक्साइड लौह चुंबकत्व प्रदर्शित करता है? तो 3 का करेक्ट आंसर जो हो जाएंगे CrO2, इसका करेक्ट आंसर ए सही है। 4 नंबर क्वेश्चन है HCP इकाई सेल में परमाणुओं की संख्या है, HCP इकाई सेल में परमाणुओं की संख्या है तो जो है 6 है, तो इसका करेक्ट आंसर जो है बी सही है। 5 नंबर क्वेश्चन है पारासरण दाब निम्नलिखित में से किस समीकरण द्वारा व्यक्त होते हैं? पारासरण दाब निम्नलिखित में से किस समीकरण द्वारा व्यक्त होते हैं? तो 5 का करेक्ट आंसर ए सही है, P = CRT, तो इसका करेक्ट आंसर जो है ए सही है। 6 नंबर क्वेश्चन है पहाड़ों पर जल का क्वथनांक कम हो जाता है क्योंकि, पहाड़ों पर जल का क्वथनांक कम हो जाता है क्योंकि जो है वहाँ वायुमंडलीय दाब कम है, इसलिए जो है क्वथनांक कम हो जाता है, तो इसका करेक्ट आंसर ए सही है। 7 नंबर क्वेश्चन है अर्थ परागम्य झिल्ली से पारासरण क्रिया में निकल पाते हैं तो क्या निकल पाते हैं? तो ये जो है आप लोग को विलायक के अणु निकल पाते हैं, तो इसका करेक्ट आंसर जो है बी सही है 7 नंबर क्वेश्चन का। 8 नंबर क्वेश्चन है निम्न में से विलयन के लिए कौन अनुसंख्यक गुण है? निम्न में से कौन विलयन के लिए अनुसंख्यक गुण है? तो इसका करेक्ट आंसर जो है आप लोग को 8 का पारासरण हो जाएगा, ये सही है। 9 नंबर क्वेश्चन आदर्श विलयन का निम्न में से कौन गुण है? आदर्श विलयन का निम्न में से कौन गुण है? तो 9 का करेक्ट आंसर जो है आप लोग को ए सही है, राउट के नियम का पालन करता है, तो इसका करेक्ट आंसर ए सही है। 10 नंबर क्वेश्चन है गैल्वेनिक सेल में एनोड होता है, गैल्वेनिक सेल में एनोड होता है, तो 10 का करेक्ट आंसर ए सही है, ऋणात्मक इलेक्ट्रोड पर, इसका करेक्ट आंसर ए सही है। और क्वेश्चन निम्नलिखित में से कौन सा धातु अम्ल से अभिक्रिया कर हाइड्रोजन गैस मुक्त नहीं करता है? तो ये जो है CU जो है धातु अम्ल से अभिक्रिया कर हाइड्रोजन गैस को मुक्त नहीं करता है, तो ये जो है सी सही है 11 नंबर क्वेश्चन। 12 नंबर क्वेश्चन कौन कार्बनिक यौगिक सिल्वर मिरर जांच देता है? कौन कार्बनिक यौगिक सिल्वर मिरर जांच देता है? तो 12 का जो करेक्ट आंसर जो हो जाएंगे आप लोग को CH3CH2COOH हो जाएंगे, तो इसका करेक्ट आंसर सी सही है 12 नंबर क्वेश्चन का। 13 नंबर क्वेश्चन है प्रथम कोटि अभिक्रिया के लिए T1/2 का मान होता है तो क्या होता है? तो ये जो है 0.683 / K होते हैं, तो इसका करेक्ट आंसर जो है बी सही है। 14 नंबर क्वेश्चन है अभिक्रिया N2+3H2 / 2NH3+Q में ताप बढ़ाने पर क्या होता है? तो अमोनिया NH3 का उत्पादन घट जाता है, तो इसका करेक्ट आंसर बी सही है। 15 नंबर क्वेश्चन किसी भी पदार्थ के क्रिया करने का दर निर्भर करता है, तो ये जो है आप लोग को अनुभार पर करता है, इसका करेक्ट आंसर बी सही है 15 नंबर क्वेश्चन का। 16 नंबर क्वेश्चन है निम्न में से किसमें टिंडल प्रभाव नहीं पाया जाता है? निम्न में से किसमें टिंडल प्रभाव नहीं पाया जाता है? तो चीनी के घोल में, इसका करेक्ट आंसर ए सही है। 17 नंबर क्वेश्चन है रासायनिक अधिशोषण अभिक्रिया है, रासायनिक अधिशोषण अभिक्रिया है, तो 17 का करेक्ट आंसर जो हो जाएंगे अनुत्क्रमणीय पर, इसका करेक्ट आंसर बी सही है, अनुत्क्रमणीय पर, इसका करेक्ट आंसर बी सही है। 18 नंबर क्वेश्चन है किसी भी अभिक्रिया में उत्प्रेरक है, किसी भी अभिक्रिया में उत्प्रेरक है, तो 18 का करेक्ट आंसर जो है आप लोग को हो जाएंगे अभिक्रिया वेग को बढ़ाता है एवं घटाता है, तो इसका करेक्ट आंसर सी सही है, किसी भी अभिक्रिया में उत्प्रेरक है तो अभिक्रिया वेग को बढ़ाता है एवं घटाता है, तो 18 का सी सही है। 19 नंबर क्वेश्चन है
खनिज जिसमें धातु का निष्कर्षण होता है कहा जाता है, खनिज जिसमें धातु का निष्कर्षण होता है कहा जाता है, तो क्या कहा जाता है, तो अयस्क कहा जाता है। इसका करेक्ट आंसर ए सही है। 20 नंबर क्वेश्चन है, वाटया भट्टी में निम्नलिखित में किस ऑक्साइड का अपचयन होता है, तो इसका करेक्ट आंसर जो हो जाएंगे आयरन का बॉक्साइड। इसका करेक्ट आंसर ए सही है। 21 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन जिंक का अयस्क नहीं है, निम्नलिखित में से कौन जिंक का अयस्क नहीं है, तो इसका करेक्ट आंसर जो हो जाएंगे आप लोग को बॉक्साइड जो है जिंक का अयस्क नहीं है, तो इसका करेक्ट आंसर डी सही है। 22 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है, तो इसमें जो है कथन जो है सभी अयस्क खनिज है होते हैं, यही जो है कथन सही है, तो इसका करेक्ट आंसर ए सही है 22 नंबर क्वेश्चन का। 23 नंबर क्वेश्चन आवर्त सारणी के ग्रुप 16 में ऑक्सीजन के अलावा पाए जाने वाला तत्व है, तो इसके अलावा पाए जाने वाला तत्व जो है सल्फर है, तो इसका करेक्ट आंसर ए सही है। 24 नंबर क्वेश्चन है, उजला और पीला फास्फोरस है, उजला और पीला फास्फोरस है तो अपरूप है, तो इसका करेक्ट आंसर ए सही है। 25 नंबर क्वेश्चन है, ओलियम का सूत्र है, ओलियम का सूत्र है, तो ओलियम का सूत्र जो है H2S2O7 हो जाएंगे, इसका करेक्ट आंसर जो है आप लोग को ए सही है। 26 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में कौन सा हाइलोजन प्रवलतम ऑक्सीकारक है, तो 26 का करेक्ट आंसर जो है ए सही है, इसका करेक्ट आंसर सी सही है। 27 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित में किसकी आकृति चतुष्फलक होती है, तो इसका करेक्ट आंसर जो हो जाएंगे आंसर जो है ए सही है। 28 नंबर क्वेश्चन है, NiCO4 में किनिकेल की ऑक्सीकरण संख्या है, तो 28 का करेक्ट आंसर जो है 0 है, तो इसका करेक्ट आंसर जो है ए सही है 28 नंबर क्वेश्चन का। 29 नंबर क्वेश्चन है, एल्केनल का सामान्य सूत्र होता है, एल्केनल का सामान्य सूत्र होता है, तो एल्केनल का सामान्य सूत्र जो होता है CnH2NO होता है, तो इसका करेक्ट आंसर जो है बी सही है। 30 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन अल्डोल संघनन में भाग लेता है, तो इसका करेक्ट आंसर जो हो जाएंगे CH3CHO हो जाएंगे, इसका करेक्ट आंसर बी सही है 30 नंबर क्वेश्चन का। 31 नंबर क्वेश्चन है, सिरका में कौन सा अम्ल पाया जाता है, सिरका में कौन सा अम्ल पाया जाता है, तो CH3COOH पाया जाता है, तो इसका करेक्ट आंसर बी सही है। 32 नंबर क्वेश्चन है, निम्न में से कौन मिथॉक्सीमीथेन का सूत्र है, निम्न में से कौन मिथॉक्सीमीथेन का सूत्र है, तो इसका करेक्ट आंसर जो हो जाएंगे CH3OCH3, इसका करेक्ट आंसर ए सही है 32 नंबर क्वेश्चन का। 33 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन प्रवलतम भस्म है, निम्नलिखित में से कौन प्रवलतम भस्म है, इस 33 का करेक्ट आंसर जो है आप लोग को डी सही है। 34 नंबर क्वेश्चन, एल्कोहल में सक्रिय क्रियाशील मूलक है, एल्कोहल में सक्रिय क्रियाशील मूलक है, तो क्या है, तो इसका जो है OH है, तो इसका करेक्ट आंसर जो है ए सही है। 35 नंबर क्वेश्चन है, एनिलीन में पाई बांडों की संख्या है, एनिलीन में पाई बांडों की संख्या 3 है, तो इसका करेक्ट आंसर जो है डी सही है। 36 नंबर क्वेश्चन, Na3CrC2O4 में Cr के उपसंयोजक की संख्या है, तो क्या है, 36 नंबर क्वेश्चन का जो है 3 हो जाएंगे, तो इसका करेक्ट आंसर जो है ए सही है, 3 संख्या है। 37 नंबर क्वेश्चन है, बेंजीन का अणुसूत्र है, बेंजीन का अणुसूत्र है, तो बेंजीन का जो अणुसूत्र होता है C6H6 होता है, तो इसका करेक्ट आंसर भी सही है। 38 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित में फिनॉल को पहचाने, निम्नलिखित में फिनॉल को पहचाने, तो इसमें जो आप लोग को फिनॉल कौन है, इसमें जो आप लोग को पहचान करना है, तो ये जो है OH, इसका का करेक्ट आंसर जो है आप लोग को ए सही है। 39 नंबर क्वेश्चन, कीटोन का क्रियाशील मूलक होता है, कीटोन का क्रियाशील मूलक होता है, तो कीटोन का क्रियाशील मूलक जो होता है, इसका करेक्ट आंसर जो है ए सही है। 40 नंबर क्वेश्चन, कीटोन RCOR का अपचयन लिया H4H2O से कराने पर प्राप्त होता है, तो क्या प्राप्त होता है, तो ये जो है सेकेंडरी एल्कोहल प्राप्त होता है, तो इसका करेक्ट आंसर जो है बी सही है। 41 नंबर क्वेश्चन है, CONH2 ग्रुप को कहा जाता है, तो इस ग्रुप को जो है कहा जाता है एमीडो ग्रुप कहा जाता है, तो इसका करेक्ट आंसर ए सही है 41 नंबर क्वेश्चन का। 42 नंबर क्वेश्चन, लास्ट क्वेश्चन जो है C2OH ग्रुप के अलावा एमिनो अम्ल में पाया जाता है, तो क्या पाया जाता है, तो ये जो है NH2 पाया जाता है, तो इसका करेक्ट आंसर जो है बी सही। तो आज के वीडियो में इतना ही, उम्मीद करता हूँ आप लोग सारा ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन देख लिए होंगे एवं याद कर लिए होंगे। अगर आप लोग को इस प्रकार से और क्वेश्चन चाहिए तो आप लोग वीडियो को नीचे कमेंट कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक वंदे मातरम।